करुछि मितिस्मृति। विधानसभा निर्वाचन होबाकु थिबा उत्तर प्रदेश को आज आउ एक बड़ उपहार देइछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। नोएडा आंतर्जातिक विमान बंदर शिलान्यास करिछन्ति प्रधानमंत्री। सीधा सड़क नहीं चलुछु विमान बंदर परिसर को। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। देश का आम नागरिक हवाई सफर कर सके, ये सपना भी आज उड़ान योजना ने सच कर दिखाया है। आज जब कोई साथी खुश होकर कहता है कि अपने घर के पास के हवाई अड्डे से उसने अपने माता पिता के साथ पहली बार हवाई यात्रा की है, जब वो अपनी फोटो को साझा करता है, तब मुझे लगता है कि हमारे प्रयास सफल है। मुझे खुशी है, अकेले यूपी में ही बीते वर्षों में 8 एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो चुकी है, कई पर अभी भी काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना, खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। यूपी के लोग गवाह है, देश के लोग गवाह है। बीते कुछ हफ्तों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह की राजनीति हुई, लेकिन भारत विकास के रास्ते से नहीं हटा। कुछ समय पहले ही भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज से कठिन पड़ाव को पार कर गया है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य का ऐलान किया है। कुछ समय पहले ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। यूपी में ही एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। महोबा में नए डैम और सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, तो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के काम ने गति पकड़ी। पिछले हफ्ते ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी वासियों को समर्पित किया गया। उससे एक दिन पहले ही हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही भव्य और आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इसी महीने ही महाराष्ट्र के पंढरपुर में 100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का लोकार्पण कर और शिलान्यास किया गया। और अब आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ है। हमारी राष्ट्रभक्ति के सामने, हमारी राष्ट्र सेवा के सामने कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति कभी टिक नहीं सकती। साथियों, आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। यही गति, यही प्रगति एक सक्षम और सशक्त भारत की गारंटी है। यही प्रगति सुविधा सुगमता से लेकर सामान्य भारतीय की समृद्धि को सुनिश्चित करने वाली है। आप सभी के आशीर्वाद से, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यूपी में इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे,
इसी विश्वास के साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपण माने नोएडा सीधा प्रसारण देखुले। नोएडा रे एयरपोर्ट रो शिलान्यास करिछंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए अवसर रे देशवासी को संबोधन करुथिले। आसबा परवर्ती खबर को। मयूरभंज जिला आईटीटीए सहकारी जंत्री संत दास को घरे विजिलेंस चढ़ाऊ। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में संतोष को भुवनेश्वर बालेश्वर और मयूरभंज में घर ऑफिस संपत्तियों घरे एककालीन 11 स्थान में चली रेड। प्राथमिक आकलन में सामना को आसी संतोष को संपत्ति तालिका। संतोष को घर नगद 13,06,000 टंका जबत करा जायथिबा बेले भुवनेश्वर बड़गड़ रे 56.62 लाख टंका मूल्य एक 4 महला कोठा रही। सेहीपरी भुवनेश्वर शैलश्री बिहार एक फ्लाट कलिंग बिहार रे निर्माणाधीन घर रही संतोष को नारे। यहा छड़ा संतोष को बालेश्वर एक 4 महला कोठा और 3 प्लॉट रही। एथसहित गोटे 4 चारिचकिया और 3 2-चकिया जान ठाब हो सब स्थान सह संतोष को बाल्यापाल बढ़ापाड़ पैतृक घर बालेश्वर पीतिनारे शशुर घर बालेश्वर एलआईसी कॉलोनी रे ज्वाई को भड़ा घर बाल्यापाल डुड़पाल रे थिबा ज्वाई को पैतृक घर बारीपदा भंजपुर रे थिबा संतोष को भड़ा घर बारीपदार ऑफिस एवं बैसिंगा पुओ भड़ा घरे एककालीन छापा मारुछंती विजिलेंस टीम। विजिलेंस रा 10 जन डीएसपी 4 इन्स्पेक्टर एवं 30 जन कर्मचारी जांच प्रक्रिया रे शामिल होइछंती। जने आस्थानी इंजीनियर आईटीडी रा संतोष कुमार दास तांको नारे कंप्लेन देला सर्च वारंट आसार आम सर्च कर दि तीन टी जगार होमें जी जानचु आम भाग रहा पड़ी आम करजर बालेश्वर भी हूँ मिसेज जो होती से हूँ संपर्क में अधिक सूचना पाई मयूरभंज प्रतिनिधि रवींद्र नायक फोन लाइन अच्छा। रवींद्र, सहकारी जंत्री संतोष दास घर विजिलेंस तो चढ़ाव जारी रही वर्तमान पर्यंत केते संपत्ति ठाब करा कलाणी कौन कौन सब गुरुत्वपूर्ण तथ्य हस्तांतर हेलाणी इतिस्मृति ये कुबेर सहकारी जंत्री ए बारीपदा आईटीडीए रे काम करथुले जकि संतोष कुमार दास आज सकाळ 7:00 रे विजिलेंस रो जो टीम 11 टीम एककालीन विभिन्न जगह चढ़ाव करले देखिया बालेश्वर बारीपदा एवं विभिन्न भुवनेश्वर मध्य और अन्यान्य स्थान मध्य चढ़ाव करते देखिए वर्तमान सुधा 13,60,000 टंकार कैश मध्य विजिलेंस जबत करछि। भुवनेश्वर बरगढ़ में 56,62,000 टंकार एक मानने चारिताला विशिष्ट कोठा मध्य रही शैलाशी विहार सेमती फ्लाट एक रही अर्धनिर्मित कोठा मध्य कलिंग विहार रही विजिलेंस जानक पाई सेपरि जब देखिबा संतोष कुमार दास मयूरभंज रहुथिले बालेश्वर मध्य तांकर साम्राज्य विस्तार करछनी सेठी मध्य बालेश्वर 4 महला विशिष्ट कोठा मध्य विजिलेंस जबत करछि। जब देखिबा 3 प्लॉट मध्य अथिबा मध्य विजिलेंस जानै पाइछि। सेइभली 4 चकिया गोटे गाड़ी एवं 3 बाइक मध्य जबत करछि। तबे एबे मध्य चढ़ाव जारी रहिछि आउ केते टंका जबत हबो एवं को को जिनस जबत हबो ता मध्य विजिलेंस चढ़ाव परे स्पष्ट हम तेज देखो इतिस्मृति ये जो रही आदिवासी उन्नयन संस्था कहीपर आईटीडीए ये आदिवासी को उन्नति पर काम करुले आपत देखुए मयूरभंज जिले में जो भाव में रास्ता पा विभिन्न समस्या लगी रही आदिवासी उन्नयन संस्था आईटीडीए रे संस्था काम होगा लोक साहय सहयोग कर विभिन्न मौलिक समस्या समाधान करवा देखुए ये पीसी कारबार न कार्य जन कर जड़े सहकारी जंत्री मानने लाख लक्ष टा कौन आनला ये सबुठ बड़ प्रश्न एत विभिन्न जगार कोठा कतु आरंभ कर गाड़ी कतु आरंभ कर ये साम्राज्य विस्तार कर आदिवासी टा को ये हरिलुट कर आदिवासी मानों पर जो पैसा आसला लोक मानी कार्य से हरिलुट कर मोदी मैंने आदिवासी लोक जाणी आश्चर्य होती जड़े व्यक्ति से जगार से रोते बारीपदा आईटी काम करते जगह छाड़ी जाते रवींद्र निश्चय तो प्रश्न सामना को आसब जे जड़े सहकारी जंत्री तांको पाखरे एते टंका केउठु आसिला से केउ उपाय रे ये टंका को से अर्जन करिछंती ता तो तमाम प्रश्न रही छि। तो वर्तमान पर्यंत किंतु विजिलेंस चढ़ाव जारी रही छि परवर्ती समय रे ही स्पष्ट सूचना मिलि जिवो। बहुत बहुत धन्यवाद रवींद्र वर्तमान रे समस्त सूचना पाई।